नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन साथियों के लिए जिनका आज जन्मदिन है। तो चलते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। आज मैं चर्चा करने वाला हूं महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पे, जिनमें की एक खास न्यूज है 16 सितंबर 2024 का। बहुत ही अच्छी न्यूज है, ऐसा न्यूज हर एक शेयर में आता ही है टाइम टू टाइम, बट इस शेयर पे ध्यान देने वाली बातें हैं अभी, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो 16 सितंबर 2024 का न्यूज है, सब्जेक्ट है बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर रिवाइज्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर ईयर इंडेड 31st March 2024 एट शॉर्टर नोटिस। इसमें बताया गया है जो कि 19 सितंबर को बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है, मीटिंग अरेंज किया गया है जिसमें कि ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से संबंधित चर्चा चलेगी, और भी ढेरों सारे चर्चा होगी लेकिन ये मुख्य है। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो जून 2024 में प्रमोटर के पास में 62.54% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है प्रमोटर होल्डिंग इस शेयर में। पब्लिक के पास में 37.46% का है, और डीआईज के पास में नाम मात्र का 0.01%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं तो 11,650, काफ़ी कम इन्वेस्टर इस शेयर में है अभी के समय में। अब एक नज़र बैलेंस शीट पर, तो मार्च 2024 के अनुसार इक्विटी कैपिटल 14 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 447 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजर्व हो चुका है इस कंपनी के पास में। अदर लाइबिलिटीज 87 करोड़ का, यानी कि 87 करोड़ का, और फिक्स एसेट 3 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट 519 करोड़ का, जहां पर कि इससे पहले 188 करोड़ का था, अब वही 519 करोड़ का, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का परिणाम अगले कुछ क्वार्टर में देखने को मिलता है किसी भी शेयर में, ये पक्का ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। लास्ट 12 मंथ का देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो 9 करोड़ का सेल्स है, 94 करोड़ का एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है 85 करोड़ का, बट अदर इनकम 445 करोड़, 445 करोड़ का अदर इनकम हुआ है, जिसके वजह से ये शेयर अपने बैलेंस शीट को प्रॉफिट में ला दिया। क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो जून 2024 में मात्र 1 करोड़ का सेल्स है, वहीं पे मार्च 2024 में 7 करोड़ का सेल्स था, तो सेल्स काफ़ी नीचे घटा है। एक्सपेंस सेम रहा 1-1 करोड़ का, और अदर इनकम काफ़ी कम हुआ, जो कि 13 करोड़ का हुआ, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का और ईपीएस 8.50 रुपया। देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन के मामले में ये किन किन शेयरों को टक्कर देने वाली है या देते हुए है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, कोलोमैन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, एचडीएफसी एएमसी, महाराष्ट्र एपेक्स जो कि खुद ही है, इस सभी में पीई सबसे लो में इसी कंपनी का है। अब एक नज़र प्राइस चार्ट पर डालते हैं तो जहां पर देखने को मिल रही है एक साल में हाईएस्ट स्कोर, जो कि हाईएस्ट प्राइस रहा है 208.32 रुपया, वही अभी के समय में ये शेयर का प्राइस चल रहा है 171.94 रुपया। तो काफ़ी लो तो आ चुका है इस शेयर का प्राइस अपने हाई से,
बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे में ट्रेड कर रही है ये शेयर। एक आवश्यक सूचना दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। वीडियो में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का मेरा सलाह नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो कि बचा हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि मार्केट कैप 237 करोड़ के साथ में है और स्टॉक पी 0.67 काफ़ी लो है। पीई करेंट प्राइस 172 रुपया है, बुक वैल्यू 326 रुपया है और आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा है 120% और 119%। 52 वीक का हाई लो देखेंगे तो 218 रुपया और 105 रुपया है, तो ये लगभग लगभग बीच में ट्रेड कर रही है 52 वीक के हाई लो के और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। अभी ये कंपनी जैसा कि आपको दिख रहा होगा वेबसाइट का नाम bseindia.com, इस पर ESM स्टेज वन में है। इस कंपनी को ऑब्जर्वेशन में डाला गया है जिसका नाम है ESM स्टेज वन। एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों इसी जगह पे कि एक दिन में कोई भी पैसा अच्छा खासा नहीं बना सकता है। अगर किसी को अच्छी खासी इनकम करना हो यानी बेनिफिट लेना हो तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा किसी भी कंपनी में किसी भी शेयर में। अपने पैसे को कई गुना बढ़ाने के लिए आपको कुछ न कुछ समय देना ही होगा। मिनिमम मेरे हिसाब से तो 5 साल का टाइम देना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करिए दोस्तों। यहाँ पर भी न्यूज सेम ही है, बोर्ड मीटिंग से संबंधित जो कि रिवाइज्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट संबंधित है और डिलीवरी परसेंटेज है इसमें 100% का जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिला है इस शेयर में। लेकिन ये 1600 बजे का अपडेट है 17 सितंबर 2024 का जो कि आज के दिन ही। BSE पर वन डे का प्राइस चार्ट देख सकते हैं, ऐसे इस पर शेयर प्राइस 172 रुपया शो हो रहा है। कैसे अप एंड डाउन बाद में एक स्थिर लेवल को हासिल कर लिया है, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है शेयर मार्केट का मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका ही होना चाहिए और सही जगह पे होना चाहिए आपके दिमाग के निर्णय के अनुसार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में और नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।